इंदौर शहर जो कि हॉटस्पॉट शहरों में से एक है, वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मरीज इंदौर शहर में ही है। शहर में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज होने के बावजूद इंदौर की स्थिति लगातार सामान्य की ओर जा रही है और कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। वहीं शहर में नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी लगातार कम होते जा रही है, जिसको देखते हुए इंदौर को अनलॉक में कई रियायतें दी गई थी और अब शहर को और कैसे खोला जाए इसके लिए लगातार अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठक कर रहे हैं कि जनता को किस तरीके से राहत जाए, इस पर लगातार निर्णय चल रहा है, जिसको लेकर आज भी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने बैठक की, जिसमें शहर को और कैसे खोला जा सकता है, किन किन चीजों की और रियायतें दी जा सकती है और इस सभी विषय पर चर्चा की, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि जोन एक जो मध्य क्षेत्र है उसमें खिड़की दुकानों को ऑड इवन के फॉर्मेट में खोला जाएगा, वहीं जोन टू को लगभग खोला जाएगा, सिर्फ इसमें मॉल रेस्टोरेंट जिम अभी इसके लिए थोड़ा सा और समय रुकना पड़ेगा। जोन थ्री जो कि 29 गांव का है वह लगभग पूरा खुल चुका है और जो रेत गिट्टी वाले व्यापारियों वालों को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक की अनुमति दी जाएगी। साथ ही जो छोटे चाय नाश्ते की दुकानें हैं उन्हें सुबह 6 से 10 बजे तक का समय दिया जाएगा। सराफा और छप्पन को लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जो छप्पन पर जो खुलने की दुकानें हैं वह खुल सकेगी। वहीं मंदिरों को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं शादियों में अब 50 लोगों की भी अनुमति दे दी गई है, साथ ही बैंड बाजे वालों को भी अनुमति दी गई है। आज जो आर्थिक गतिविधियां और कैसे खोली जाए उसको लेके चर्चा हुई। जोन जो भारी क्षेत्र है 2 और 3 उसमें तो हम लगभग सभी गतिविधियां खोल रहे हैं, कुछ को छोड़कर, खास करके मॉल हुआ या जिम हुआ या सिनेमा हुए। मॉल वालों से हमारी चर्चा हुई, उनको बुला के हम बात करेंगे और मुझे लगता है कि किस प्रकार मॉल खोलने चाहिए उनसे बात करेंगे, जिम हुआ रेस्टोरेंट हुआ इनसे बात करेंगे फिर खोलेंगे। बाकी लगभग पूरा क्षेत्र भारी खुला रहेगा और जो शहर का मध्य क्षेत्र है राजवाड़ा के आसपास मारोठिया कपड़ा मार्केट सराफा बर्तन बाजार शीतला माता बाजार इटली पिपली बाजार इन सबको ऑड और इवन करके खोला है अल्टरनेट, ताकि लोगों की जो आने वाले ग्राहक हैं वो भीड़ ना लगा। एक बात का और हमने निर्णय लिया कि पिछले दिनों ये बात आ रही थी कि नगर निगम के जो सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगा था उसको लेके फाइन लग रहा था, हमने वो एक सप्ताह के लिए स्थगित करा। अब एक सप्ताह में फाइन नहीं लिया जाएगा, पर फिर भी मैं बताऊँ कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर लगाएंगे, लेकिन अभी एक सप्ताह के लिए नहीं। तो जनता से निवेदन है कि उन सब बातों का ध्यान रखें ताकि हमको फाइन नहीं लगाना पड़े। मैनेजमेंट की थी काफी शहर की निगाह इस पे टिकी हुई है क्योंकि कई वर्ग ऐसा है जो अभी भी पूर्णतः लाभान्वित नहीं हुआ है, तो किस तरह के डिसीजंस यहाँ पर हुए, आने वाले समय में शहर की किस तरह की दिशा होगी, कैसे देखते हैं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण था जोन 1 में जो मध्य क्षेत्र है इसमें खिड़की दुकानों का निर्णय था। सभी मत में थे कि इनको ऑड इवन पे खुलना चाहिए, उस पर निर्णय हुआ है कि ऑड इवन पे खुलेंगी दुकानें वो। और इसी प्रकार जो सियागंज का हाथीपाले का जो ट्रांसपोर्ट वाला था वो भी जो ट्रांसपोर्ट वाला ऑफिसर है ऑड इवन पे खुल सकेंगे, वो ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। जोन 2 लगभग पूरा खुलेगा, उसमें केवल मॉल्स और रेस्टोरेंट्स और जो ये जिम है अभी इसके लिए थोड़ा कुछ और कमिटीज़ बनी है, चर्चा हो रही है उसमें, इनको छोड़ करके जोन 2 पूरा खुल जाएगा। क्योंकि छोटी वॉल टोली सरवटे और रेलवे स्टेशन वाली जो दुकानें हैं भारी काफ़ी कंजेस्टेड, इनको ऑड इवन पे हुआ है कि 7 दिन तक इनको ऑड इवन पे खोला जाए, अभी 7 दिन बाद फिर रेगुलरली खुल सकेंगे। जोन 3 जो 29 गाँव का है ऑलमोस्ट पूरा खुल चुका है, वो वाला भी उसमें भी कोई इशू नहीं है। रेत गिट्टी और इसके जो व्यापारी हैं अपने मुरम के, इनको रात में 11 से सुबह 5 तक की अनुमति देंगे। इसके अलावा जो छोटे चाय और नाश्ते वाले जो लोग हैं उनका भी रोजगार रहता है, उनको भी सुबह 6 से 10 की अनुमति दी गई है कि प्रातः रखते हैं, इसके बाद फिर बंद करना होगा इनको। और मुख्य तौर पर इसी तरह से भी सराफे की रात की उसमें और छप्पन की जो भीड़ की जो इकट्ठी होती है इसको 2 के संबंध में भी कोई चर्चा नहीं हुई है, पर छप्पन में जो अन्य दुकानें हैं जिसमें कि खिलौने बेचने वाले ये सब खुल सकेंगे। ये जो सर इसके अलावा जो नॉर्मल प्रोसीजर देखा जाए जिसमें मॉल्स वगैरह हैं या मंदिर वगैरह हैं उसको लेकर कुछ अभी मंदिर के बारे में चर्चा हुई थी, जो समिति ने जो हम लोग ने जो धर्मगुरु की बैठक ली थी इसमें जो चर्चा हुई थी, हमने समिति को बतलाया था कि सभी इसमें एक मत थे कि अभी थोड़ा इसको होल्ड पर रखा जाए, थोड़ा विलम्ब से इसको इसमें निर्णय लिया जाए किसी प्रकार का। तो अभी इसमें तो यथास्थिति है, कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। और जो मॉल्स के बारे में एक ये है कि बुला के क्या एसओपी बनाई है, इनको एक उप समिति है उसमें बुला करके चर्चा की जाएगी उसमें। बाकी तो एक रेस्टोरेंट्स के लिए भी बुला के एसओपी के बारे में चर्चा की जाएगी।
इन्हीं को होल्ड किया गया है कुछ चीजों को। सर ये जगन्नाथ की